नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप शिखा। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के देपाल में अति प्राचीन महिषासुर मर्दनी माता के मंदिर परिसर में लगातार 27 वर्षों से हो रही भजन संध्या का आयोजन किया गया, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एवं प्रसिद्ध भजन गायिका आशा वैष्णव शामिल हुए। वहीं कैलाश विजयवर्गीय के भजनों पर श्रोता जमकर झूमे, तो वहीं भजनों की प्रस्तुति के साथ आशा वैष्णव ने देशभक्ति की प्रस्तुति भी दी, जिस पर माहौल माता की भक्ति के साथ साथ देशभक्ति में भी सराबोर हो गया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि लोग नमक देश का खाते हैं व पेट में छुरा घोपते हैं, ऐसे लोगों को अमित भाई व नरेंद्र मोदी जी ने चुन चुन कर ढूंढ कर जेल में ठूसा है। इसीलिए जो भारत माता के पेट में छुरा घोपेंगे, ऐसे लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। वहीं भजन संध्या में भजनों के साथ साथ राष्ट्रभक्ति भी जमकर दिखी। बता दें कि भजन संध्या का आयोजन भाजपा जिला महामंत्री चिंटू वर्मा ने किया था। वहीं आपको बताते चले कि 27 वर्षों से कैलाश विजयवर्गीय की भजन संध्या का आयोजन चिंटू वर्मा मित्र मंडल द्वारा होता आया है। 15 वर्ष की उम्र से ही कैलाश विजयवर्गीय के अति प्रिय कार्यकर्ता चिंटू वर्मा, जो अब इंदौर जिला भाजपा के जिला महामंत्री भी हैं और वह 27 वर्षों से लगातार भजन संध्या करवाते आ रहे हैं। वहीं इस बार भजन संध्या में करीब 8 से 10 हजार श्रोता कार्यक्रम में शामिल हुए। देश का नमक खाते हैं और भारत माता की पीठ पे छुरा भोंकते हैं, ऐसे लोगों को चुन चुन कर अमित भाई जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने निकाल के जेल में ठूस दिया है। भैया, ये आजादी हमको बहुत खून बहाने के बाद मिली है और तुम इस प्रकार भारत माता की पीठ पे छुरा भोंकोगे तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या बर्दाश्त करना चाहिए ऐसे लोगों को? करना चाहिए क्या? तो बहुत मैं चिंटू भाई को धन्यवाद देता हूँ। 27 वर्ष तक से लगातार कोई कार्यक्रम करना छोटी बात नहीं है। पहले बिल्कुल छोटा सा होता था आशा जी, ज्यादा से ज्यादा एक गली थी, उसमें 400-500 हजार लोग आते थे, अब हजारों में लोग आते हैं। तो ये जरा इस कार्यक्रम की भव्यता के लिए एक बार चिंटू भाई और उनकी पूरी टीम को बधाई दे दें। देपालपुर एक तीर्थ नगरी है और यहाँ पे माता जी की आराधना विगत 27 सालों से चल रही है, और जो पुराने समय में ऑर्केस्ट्रा का युग था वो युग अब परिवर्तित होते होते भक्ति भाव गर्भों और भजन संध्या में बदला है। ये सब माता रानी का प्रताप है कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पूरे देश भर और विश्व में घूमते घूमते अष्टमी की रात्रि माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाना आवश्यक। ये कार्यक्रम अपने आप में धीरे धीरे हर साल एक बड़े पैमाने से हो रहा है। इतने आप सभी भक्त बड़े झूम कर माता जी की भक्ति की है और भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी उपस्थिति दी, उसके लिए भी मैं उनको बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा।